अर्थात ना ही बीजेपी के एनडीए व कांग्रेस के यूपीए की व इनके किसी भी घटक दल की एवं अन्य किसी और भी गठबंधन व पार्टी की भी पिछलग्गू पार्टी नहीं है और ना ही दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि की भी गुलामी करने वाली पार्टी है, बल्कि स्पष्ट तौर पर देश के खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, दलितों, आदिवासियों, अकलियतों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों आदि के हितों में स्वतंत्र एवं निडर होकर फैसले लेने वाली पार्टी है। वह उस पर पूरी ईमानदारी व दमदारी से अमल भी करती है और यदि कोई भी विरोधी पार्टी व उसकी सरकार इन वर्गों के हितों में उचित फैसला लेती है तो उसका हमारी पार्टी बिना किसी हिचक, दबाव व डर के पूरे तौर से खुलकर उसका फैसला लेती है, उसका समर्थन भी करती है, चाहे उसका हमें कितना भी भारी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, और उठाया भी है हमने। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य पार्टियों की तरह हमारी पार्टी की कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है। साथ ही हमारी पार्टी का संकल्प औरों की जुमलेबाजी से अलग हटकर तथा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के आधार पर चलकर भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश हित की सच्ची मानवतावादी सोच को जमीनी हकीकत में उतार कर यहाँ गरीबों व मजलूमों आदि का सही से उद्धार करके उन्हें समाज व देश की मुख्य धारा में लाना है और यही सब हमारी पार्टी व उसके नेतृत्व की वह खास विशेषता है जो यहाँ अपने देश में किसी भी विरोधी पार्टी को अच्छी नहीं लगती है तथा वे जातिवादी सोच रखने वाले लोग बीएसपी को नीचा दिखाने में व उसके नेतृत्व को बदनाम करने के लिए कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और उनमें से खासकर जो पार्टी केंद्र व राज्यों की सत्ता में होती है तो वह साम दाम दंड भेद आदि अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाकर वह बीएसपी के विधायकों आदि को भी तोड़कर हमारी पार्टी व मूवमेंट को कमज़ोर करने में ही लगातार लगी रहती है और ख़ासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि जैसी ये विरोधी पार्टियां ये रत्ती भर भी नहीं चाहती हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानवतावादी संविधान उनकी सही मंशा के हिसाब से इस देश में लागू हो तथा यहाँ बहुसंख्यक गरीब, मजलूम व उपेक्षित वर्गों आदि के जीवन स्तर में कुछ सुधार होकर उन्हें लाचारी व गुलामी के त्रस्त जीवन से थोड़ी राहत एवं मुक्ति मिल सके। जबकि यहाँ यूपी में बीएसपी के नेतृत्व में चार बार के रहे शासनकाल में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश ने ये देख लिया है कि विशेषकर सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास से लोगों के जीवन में कैसा जरूरी बुनियादी सुधार लाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में दूसरी सभी पार्टियों का रिकॉर्ड, जो विरोधी पार्टियों का रिकॉर्ड है, वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत को ही अब तक दर्शाता रहने का ही रहा है। ऐसे में ये स्पष्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।